खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग अब लगातार खत्म होती जा रही है। पहले चरण की वोटिंग में 10 विधानसभा सीटों की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन 10 की फिलहाल अभी जारी है। सुबह 7 बजे और 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग दोपहर 3 और शाम को 5 बजे खत्म हो चुकी है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 20 सीटों पर 223 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। कांकेर, सुकमा, मोहला, मानपुर समेत 7 जिलों की 10 सीटों पर 3 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। इनमें अधिकतर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहीं 4 जिलों की 10 सीटों पर 5 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी। वहीं वोटिंग के दौरान सुकमा जिले में नक्सलियों की आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। वहीं कांकेर, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर की 4 वारदातें सामने आई है। सुकमा की मीनपा में मुठभेड़ जारी है। सूत्रों की अगर माने तो 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही है।